तो हम आप लोगों से आह्वान करेंगे कि इस बार जो आतताई लोग हैं, जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, जो जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो बस गोली न मारना, और हम सब देखेंगे, हम सब देखेंगे। तो ये हैं योगी राज के वो नेता जिन्होंने समाज सुधार का बीड़ा जबरन अपने कंधों पर उठा रखा है। बात रही नियम कायदे कानून की तो उन्हें ये टेंट में बांधे फिरते हैं। तभी तो नेताजी सरेआम मंच से अपने समर्थकों को उकसाते हुए कह रहे हैं कि विरोधी ताकतों और आतताइयों को ठीक करने के लिए लाठी डंडों और जूते चप्पलों से मारो, बस गोली ना मारना, बाकी सब देख लेंगे। तो हम आप लोगों से आह्वान करेंगे कि इस बार जो आतताई लोग हैं, जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, जो जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो बस गोली ना मारना, और हम सब देखेंगे, हम सब देखेंगे। कानपुर की किदवई नगर सीट से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी का ये बयान अब वायरल है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन विपदा भगाऊ नेताजी पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं। लेकिन नेताजी तो सत्ता में है और ऐसे में कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। हालांकि मीडिया ने सवाल जरूर दागे, लेकिन महेश त्रिवेदी जी अपने रुख से पलटे नहीं, बल्कि अपने मंच वाले बयान को और भी दमदारी से सामने रख दिया। हम लोग चाहते हैं समाज बदले, भयमुक्त समाज का निर्माण हो, दबे कुचले कमजोरों को न्याय मिले, अनुशासन बढ़े, जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं उनको रोका जाए, धर्म की स्थापना हो, उसके लिए हम लोग काम करने के लिए आए हैं। आप इसके लिए ये बात बोल रहे हैं, क्या वो लोग कांग्रेसी हैं, क्या है ये? कोई भी है, कोई भी हो सकता है, उसको अनुशासन होने की जरूरत है। तो आपने भी ये बात बोली है कि अरे अगर लड़का कोई उद्दंडता करता है तो उसके लिए अनुशासन होना आवश्यकता है कि नहीं, उसको सही दिशा गार्जियन ही लोग देते हैं, बस ये। उधर विपक्ष भी बीजेपी विधायक के बयान सुनकर नींद से जाग गया। कांग्रेस नेता ने महेश त्रिवेदी के बयान पर क्या कहा, सुनिए। देखिए, ये चुनाव का टाइम है, इसमें इस बार उनके पास कुछ है नहीं, पिछली बार गलती से यहाँ से जीत गए थे। यहाँ की जनता मेरा परिवार है, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, मेरी जिंदगी उनके लिए समर्पित है। हमारा किसी को भी ना मारने का कोई हुआ है, मैं इसकी तो घोर निंदा करता हूँ किसी को। हम लोग तो सेवा करने के लिए आए हैं, लोगों की सेवा करेंगे। ये दक्षिण मेरा परिवार है, मेरा जीवन इनके लिए समर्पित है, और मैं तो बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि ये इस तरह का कोई भी बात अशोभनीय। बहरहाल यूपी में चुनाव है और नेताजी जोश में, उधर आचार संहिता भी लगी है, तो ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारियों का इल्म तो होगा ही, तो वक्त आ गया है उसे निभाने का, क्योंकि कई बार ऐसे ही नेताओं के बड़बोलेपन से सौहार्द के रंग में भंग पड़ जाता है। तो उम्मीद ये कि जल्द ही इसका संज्ञान लिया जाएगा, ताकि नेताजी को समर्थकों के लाठी डंडे और जूता चप्पल चलाने के बाद मामले को सुलटाने न जाना पड़े।